फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। यस, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इससे पहली वाली वीडियोस में इंट्रोडक्शन एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। सो ये वीडियो आपके लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम। और मैं साथ ही साथ बताऊंगा क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है और कहां से आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले हम उसका एक हाईलाइट देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, क्यों उसको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बोला गया है, एडवांटेजेस, क्या क्या बेनिफिट्स हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के इन कंपैरिजन टू अदर डोजेज फॉर्म। एप्लीकेशंस की बात करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस जगह पर ये यूज किया जाता है। साइज और शेप, डिफरेंट साइज एंड शेप की बात करेंगे, कितनी साइज और कितने शेप्स में अवेलेबल है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग और कैप्सूल कंटेंट देखने वाले हैं, जो कैप्सूल के अंदर फिल किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कैप्सूल कंटेंट के बारे में वही टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। बेस एड्सॉर्प्शन, बेस एड्सॉर्प्शन सॉलिड कंटेंट से रिलेटेड है, वो भी समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिलेटिन प्रोसेसिंग, जिलेटिन का प्रोसेस कैसे किया जाता है, क्या उसकी ह्यूमिडिटी रेंज होती है, क्या टेम्परेचर होता है, वो भी देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, लाइक योर प्लेट प्रोसेस, रोटेटरी डाई प्रोसेस, एक्जेल मशीन, ठीक है। नाउ बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की, कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं, और लास्ट में देखेंगे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू योर जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम जो पूछा जा सकता है। सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। देयर यू विल गेट जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एंड मेनी मोर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्या होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, क्यों सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बोलते हैं। याद रखिए, एक मेन पॉइंट मैंने बताया था हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के स्टार्टिंग वाली वीडियो में भी, कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 30 मिनट होता है और सॉफ्ट जिलेटिन का 60 मिनट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर और वाटर से मिलके बना है, और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपका जिलेटिन प्लस शुगर, शुगर प्लस वाटर, ये आपका हार्ड जिलेटिन है, ठीक है। देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या चेंज है, शुगर आ जाता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर हटा के, जबकि हमारे सॉफ्ट जिलेटिन में प्लास्टिसाइजर यूज होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यूज्ड एज ओरली सपोजिटरीज फॉर पेडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मिक, ईयर एंड नोज एंड मेडिकामेंट्स। फोर्थ पॉइंट, मे ऑल्सो कंटेन प्रिजर्वेटिव्स लाइक पैराबीन्स, ओपेसिफाइंग एजेंट TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के इन कंपैरिजन टू अदर डोसेज फॉर्म। सबसे पहला पॉइंट, दे परमिट लिक्विड मेडिकामेंट्स टू बिकम इजिली पोर्टेबल। लिक्विड मेडिकामेंट से आप क्या समझ रहे हैं, हम जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में उसमें लिक्विड फिल करके डोज बना सकते हैं, मतलब इसके अंदर लिक्विड आता है। सेकेंड इज एक्यूरेसी एंड यूनिफॉर्मिटी, एक्यूरेसी ऑफ एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज इज मेंटेन्ड इन दिस। जितना mg आपने ड्रग इसमें डाला है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उतना ही रहेगा, कोई ऊपर नीचे नहीं रह सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द फार्मास्यूटिकल अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स फॉर्मुलेटेड फॉर द डोसेज फॉर्म एज मेजर्ड बाय डिसइंटीग्रेशन टाइम और बाय डिसोल्यूशन। जो इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 60 मिनट है, इसीलिए बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन टू अदर सॉलिड डोसेज फॉर्म। फोर्थ पॉइंट, द फिजियोलॉजिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज ऑफन इम्प्रूव्ड सिंस दीज कैप्सूल्स कंटेन द ड्रग इन लिक्विड फॉर्म। जो ड्रग्स
नॉर्मली बिटर होती हैं, बहुत जिसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है, सस्पेंशन में नहीं दी जाती, तो उसकी एक ऐसे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल डोजेज फॉर्म बना दी जाती है, ड्रग को सॉल्यूशन में डालकर और एज एन सस्पेंशन उसकी डोज बना दी जाती है, उसका कैप्सूल बना दिया जाता है और प्रोवाइड कर दिया जाता है। बेटर टेम्पर एविडेंस मीन्स टेम्परिंग लीड्स टू पंचरिंग एंड विजिबल लीकेज। नेक्स्ट इज सेफर हैंडलिंग ऑफ हाईली पोटेंट और साइटोटॉक्सिक ड्रग कंपाउंड्स। जो साइटोटॉक्सिक ड्रग कंपाउंड्स हैं उनको इजिली हैंडल कर सकते हैं थ्रू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल फॉर्मुलेशन। ठीक है, नाउ बात करेंगे एप्लीकेशंस की, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की, कहां कहां पर ये यूज किया जाता है। सबसे पहले एज एन ओरल डोजेज फॉर्म ऑफ एथिकल और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन और वेटनरी यूज, ह्यूमन के लिए और वेटनरीज योर एनिमल्स। एज अ सपोजिटरी डोजेज फॉर्म फॉर योर पेडियाट्रिक्स मीन्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस दोज हु आर नॉट टेकिंग द ड्रग्स ओरली, सो वी विल प्लेस इन फॉर द रेक्टल रूट और फॉर वेजाइनल यूज। रेक्टल डोजेज फॉर्म आर बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल फॉर पेडियाट्रिक, जैसे कि बताया छोटे बच्चों के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि काफी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इन चीजों की वजह से हम सपोजिटरी ज्यादा फेवरेबल होता है, तो उसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यूज किया जा सकता है। ठीक है, नाउ एज अ स्पेशलिटी पैकेज इन द ट्यूब फॉर्म फॉर ह्यूमन वेटनरी सिंगल डोज एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल ऑप्थेल्मिक एंड ओटिक प्रिपरेशन एंड रेक्टल ऑइंटमेंट्स। मींस नॉर्मल एक ट्यूब में पैक किया जाता है तो ये सिंगल डोज हो जाती है। ठीक है, सिंगल डोज मींस जो एक बार में एक टाइम पे यूज किया जाए और वो खत्म हो जाए। ठीक है, सिंगल डोज तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आधा कैप्सूल अभी ले लिया और आधा बाद में ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये आपने वन टाइम लेना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री दीज कैप्सूल्स मे बी यूज एज स्पेशलिटी पैकेज फॉर ब्रेथ फ्रेशनर्स। आपकी ऑर्डर को जो माउथ फ्रेशनिंग वो होता है उसको ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए परफ्यूम्स में यूज होता है, बाथ ऑयल्स में, सेंटन ऑयल्स एंड वेरियस स्किन क्रीम्स में भी यूज होता है। ठीक है, ये थी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यूज किया जाता है। नाउ बात करेंगे साइज एंड शेप की। सबसे पहले राउंड शेप, शेप से ही पता लगा रहे हैं दैट दीज आर दी राउंड शेप्स। ठीक है, साइज देख सकते हैं, साइज डिफरेंट डिफरेंट है, 1, 2, 3, 4 दीज आर दी डिफरेंट साइज। सेकेंड इज योर ओवल, ओवल में लाइक योर इज एन एग। थर्ड इज योर ओब्लोंग, इसको ओब्लोंग बोलेंगे। और फोर्थ स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, फोर्थ इज योर ट्यूब शेप, दिस इज द ट्यूब शेप। अलग अलग साइज अवेलेबल रहते हैं, स्मॉल रहता है, बिग रहता है, ये ट्यूब शेप है, ये आपके चार शेप हो गए। ठीक है, साइज एंड शेप आपको क्लियर है। नाउ बात करेंगे कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग की। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज एन हर्मेटिकली सील्ड, हर्मेटिकली सील्ड मतलब एयर टाइट, एयर नहीं जा सकती उसके अंदर। वन पीस मींस कोई बॉडी नहीं होता, कोई बेस नहीं होता जैसे हार्ड जिलेटिन में होता है, ये केवल सिंगल कैप्सूल होता है। यूज टू डिस्पेंस अ वैरायटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल को देने के लिए, ये डिस्पेंस करने के लिए यूज किया जाता है। मेनली बात करेंगे जो मैक्सिमम कैप्सूल साइज है फॉर ह्यूमन यूज, फॉर ओरल ह्यूमन यूज देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द 20 मिनिम इज योर साइज एंड oblong इज योर शेप, जैसे कि मैंने बताया, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड इज योर 16 मिनिम एंड ओवल इज योर शेप। थर्ड इज योर 9 मिनिम एंड राउंड इज योर शेप। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करेंगे कैप्सूल कंटेंट की। कैप्सूल कंटेंट से आप क्या समझ पा रहे हैं, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर जो एपीआई और जो डाइल्यूएंट हमें फिल करना होता है उसको हम कैप्सूल कंटेंट बोल रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी लिक्विड की, हम लिक्विड फिल कर सकते हैं, तो चलिए लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि कैसा होना चाहिए लिक्विड, कितनी विस्कोसिटी होनी चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले लिक्विड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कैप्सूल कंटेंट,
एसेंशियल पार्ट है, अगर उसमें कैप्सूल में लिक्विड ही नहीं रहेगा तो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डोज कैसे रहेगी। लिक्विड का सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर वाटर मिसिसेबल मींस वाटर सॉल्युबल हुआ और वॉलेटाइल हुआ तो हम उसको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि चांस रहेगा जो हमारा वाटर है और वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो माइग्रेट मींस मूव हो जाएगा हाइड्रोफिलिक जिलेटिन के सरफेस के थ्रू। हाइड्रोफिलिक जिलेटिन पे जैसे ये टच होगा वो जाएगा और वॉलेटाइज हो जाएगा मींस उड़ जाएगा एट देयर रूम टेम्परेचर, याद रखना ठीक है। इसलिए हम वाटर मिसिसेबल और वॉलेटाइल सब्सटेंस मेजरली इसलिए यूज नहीं करते। नाउ सेकंड पॉइंट इज जिलेटिन प्लास्टिसाइजर सच एज ग्लिसरीन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कांट बी द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मींस ज्यादातर हम इसको नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि जो जिलेटिन शेल है उसको सॉफ्ट कर देता है, ये जो आउटर साइड है ना जिलेटिन शेल का जिलेटिन कैप्सूल का उसको सॉफ्ट कर देता है। अप टू 5% ऑफ कैप्सूल कंटेंट वाटर एंड एल्कोहल इज यूज एज को सॉल्वेंट टू हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर कैप्सुलेशन। मीन्स इस पैराग्राफ का इस लाइन का मतलब ये बोल रहे हैं कि अप टू 5% ऑफ कैप्सूल कंटेंट मीन्स अगर आपका 100% एपीआई है तो इसका 5% जितना बनता है उतना हम वाटर और एल्कोहल यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द कैप्सूल फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द कैप्सुलेशन। उस पाउडर को क्या सॉल्यूशन बनाने के लिए वो को सॉल्वेंट वाटर और एल्कोहल ले सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट दैट ऑल लिक्विड सॉल्यूशन सस्पेंशन फॉर कैप्सुलेशन शुड बी होमोजीनियस एंड एयर फ्री एंड शुड बी फ्लो बाय ग्रेविटी एट रूम टेम्परेचर बट नॉट एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जितने भी लिक्विड सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस हम यूज करेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में कैप्सुलेट करने के लिए, उसमें डालने के लिए, उसमें भरने के लिए, वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए ग्रेविटी एट रूम टेम्परेचर मींस फ्लो प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होनी चाहिए और उसका टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 35 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो उसका सीलिंग टेम्परेचर होता है वो 37 टू 40 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ये पूछा गया है सीलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल, सीलिंग टेम्परेचर, सीलिंग टेम्परेचर कितना है मैं बता देता हूं, 37 टू 40 डिग्री, इसको लिख लीजिएगा, डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट लिक्विड दैट एग्जिबिट रियोलॉजिक फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ टैक एंड टैकीनेस मींस जो चिपचिपा हो सकता है, ज्यादा विस्कोसिटी हो सकती है, सच एज ग्लिसरीन, ग्लिसरीन की जो विस्कोसिटी है वो 954 सेंटीपोइज है 25 डिग्री पे, तो क्या कर सकता है वो बाइंडिंग कर देगा स्लाइड वॉल्स पे एंड बम्प्स इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन, मींस ब्लॉकिंग कर देगा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा हुई किसी सब्सटेंस की तो ब्लॉकिंग के चांस हो जाते हैं, तो कैप्सूल फिलिंग मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ बात करें सेकंड पॉइंट की, प्रिपरेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन शुड हैव अ पीएच बिटवीन 2.5 टू 7.5। क्यों? सिंस प्रिपरेशन दैट आर मोर एसिडिक, अगर ज्यादा एसिडिक हुई तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है और लीकेज हो सकता है जिलेटिन सेल से, मतलब लीकेज हो सकता है एपीआई का और सॉल्यूशन फॉर्म का जो अंदर फिल किया गया है, तो एसिडिक नहीं होना चाहिए। पीएच पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहां पे एसिडिक की बात हुई, एल्कलाइन क्या करता है फिर? एल्कलाइन कैन टेन द जिलेटिन एंड अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ शेल। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड कंटेंट। Now, अगर हम बात करें सॉलिड की, मैंने आपको बताया था सॉलिड कंटेंट भी हम फिल कर सकते हैं हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, तो अब सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सॉलिड कैसा होना चाहिए और क्या उसको फॉलो करना चाहिए फॉर दी एनकैप्सुलेशन इन अ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। फर्स्ट पॉइंट देखें दैट सॉलिड आर नॉट सफिशियंटली सॉल्युबल इन लिक्विड और इन कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड्स आर कैप्सुलेटेड एट सस्पेंशन। जो सॉलिड्स फुल्ली सॉल्युबल नहीं है तो उसको सस्पेंशन की तरह सस्पेंशन बनाएंगे फिर उसको एनकैप्सुलेट करेंगे, और जो सॉलिड कंटेंट है वो 80 मैस से आपका पास होना चाहिए और फाइनर होना चाहिए, याद रखिएगा।
नेक्स्ट इज मेनी कंपाउंड्स दैट कांट बी कैप्सुलेटेड बिकॉज ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. कुछ कंपाउंड्स हैं जो सॉल्युबल जो नहीं हम दे सकते थ्रू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी इशू. फॉर दिस रीजन वी विल मेक द मिनिमम साइज ऑफ कैप्सूल. ये एक रीजन हो सकता है जिसमें हम छोटी छोटी यूनिट डोजेज फॉर्म छोटी डोज ले सकें और ज्यादा बड़ा डोज ना ले, क्योंकि डोज वेरिएशन आ जाता है सॉलिड के केस में, क्योंकि पूरी सॉल्युबल अगर हमने सॉल्युबल नहीं किया उसको एज अ सस्पेंशन फॉर्म में, तो डोज वेरिएशन आ सकता है, किसी में ज्यादा ड्रग जा सकती है किसी में कम ड्रग जा सकती है. तो इसीलिए हम छोटी छोटी डोज प्रिफर करते हैं. जितनी भी ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जो सॉलिड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाती हैं, ठीक है. नाउ बात करेंगे बेस एड्सॉर्प्शन की. अब बेस एड्सॉर्प्शन क्या है? बेस एड्सॉर्प्शन आपका मेनली सॉलिड से रिलेटेड है, क्योंकि सॉलिड की बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी इशू रहता है. तो इसके लिए एक बेस एड्सॉर्प्शन एक प्रॉपर्टी निकाली गई. सॉलिड को सॉल्युबल करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया. एक पर्टिकुलर लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड चाहिए एक सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए, फिर फर्दर हम उसको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में एनकैप्सुलेट कर सके. तो चलिए सबसे पहले बेस एड्सॉर्प्शन समझेंगे. बेस एड्सॉर्प्शन एक लेबोरेटरी में पहले प्रैक्टिकल किया गया था, जिसमें सॉलिड सस्पेंड किया गया था, सस्पेंशन बनाया गया था, ठीक है. क्या होता है बेस एड्सॉर्प्शन? बेस एड्सॉर्प्शन आपका एक प्रॉपर्टी होती है कि आपका 1 ग्राम ऑफ सॉलिड को, ये दिस इज योर 1 ग्राम सॉलिड को कितना लिक्विड चाहिए डिसॉल्व करने के लिए. मींस अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड टू सॉल्युबलाइज और टू मेक अ कैप्सुलेटेबल मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, ठीक है. समझ सकते हैं, बेस एब्जॉर्प्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ लिक्विड, कितने ग्राम लिक्विड चाहिए हमें टू प्रोड्यूस अ कैप्सुलेटेबल मिक्सचर. कैप्सुलेटेबल मीन्स जो मिक्सचर हम कैप्सुलेट कर सकें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में व्हेन मिक्स्ड विद 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, ठीक है. नाउ कुछ बेस एड्सॉर्प्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू ये इन्फ्लुएंस होता है, लाइक योर सॉलिड पार्टिकल साइज, शेप और फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में आ जाता है फाइब्रस, फाइब्रस एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, ठीक है. नाउ अब प्रैक्टिकल प्रोसीजर है बेस एड्सॉर्प्शन को डिटरमाइन करने के लिए. सबसे पहले प्रैक्टिकल, एक बीकर में हमने क्या किया, 150 ml के बीकर में हमने सॉलिड कंटेंट लिया. दिस इज योर फर्स्ट बीकर, ठीक है. सेकंड बीकर में हमने लिक्विड बेस लिया, कितना, 100. दिस इज दी 100, ठीक है. उसके बाद एड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बेस. जो सॉलिड लिया था हमने लिक्विड बेस में डालना है धीरे धीरे और उसको स्टिल करना है, ठीक है. After that, जो हमारा पेस्ट बन रहा है उसमें सॉफ्ट ऑइंटमेंट की एक कंसिस्टेंसी आनी चाहिए. कंसिस्टेंसी से मतलब वो सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें एक फ्लोएबल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, रियोलॉजी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. सो अब उसको कैसे चेक करेंगे, उसको फर्दर हम चेक करेंगे बाय डूइंग टिल्ट एट 45 डिग्री. दिस इज दी 90 डिग्री. तो सपोज करो इस एंगल से हम टिल्ट करके देखेंगे लिक्विड की और फ्लो हो रहा है इजिली या नहीं, और फिर उसको कट ऑफ, मींस जैसे ही वो खत्म हो जा रहा है वो इजिली कट ऑफ हो रहा है या नहीं. आफ्टर दैट इससे जो कंक्लूजन निकल सकता है, जो कंक्लूजन निकला है इस टेस्ट से चलते हुए, सो उसके अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला बनाया. कौन सा था? बेस एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ बेस अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इस प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है. अब फर्दर हमने कुछ और इंप्रूवमेंट किए. बेस एड्सॉर्प्शन आपका मिक्सचर होता है, याद रखिएगा. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए बेस एड्सॉर्प्शन मिक्सचर इज मिल्ड होमोजेनाइज एंड डीएरेटेड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज टेकन. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वेट ऑफ मिक्सचर पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 16.23 mM. याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये वैल्यू याद रखिएगा. बेस एड्सॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिम पर ग्राम फैक्टर ऑफ सॉलिड. मींस ये एक प्रॉपर्टी है मिनिम पर ग्राम फैक्टर को डिटरमाइन करने के लिए. अब मिनिम पर ग्राम फैक्टर क्या है उसको भी समझ लेते हैं.
दैट इट इज द वॉल्यूम इन मिनिम्स, वॉल्यूम है मिनिम्स में, क्वांटिटी है ये, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ द सॉलिड. उस सॉलिड ने कितनी वॉल्यूम कंटेन करी, जो 1 ग्राम सॉलिड ने कंटेन करी प्लस वेट ऑफ लिक्विड बेस, जो लिक्विड यूज किया गया था उन दोनों ने मिलके कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, उसको मिनिम पर ग्राम बताया बोला गया है. रिक्वायर्ड टू मेक कैप्सुलेटेबल मिक्सचर मीन्स कैप्सूल के लिए, जो मिक्सचर बनाने के लिए एनकैप्सुलेट करने के लिए, उसके लिए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया. ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकाला गया दैट मिनिम पर ग्राम फैक्टर इज इक्वल टू बी ए दैट इज बेस एब्जॉर्प्शन प्लस सॉलिड इनटू वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ सॉलिड. ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको बेस एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया है. बेस एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं है, सॉलिड से रिलेटेड है. उसकी सारी क्वेरी सॉल्व की गई है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है. नाउ मूविंग ऑन जिलेटिन प्रोसेसिंग. जिलेटिन प्रोसेसिंग क्या कंटेन करता है, जिलेटिन प्रोसेसिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बात करने वाले हैं. सबसे पहले टेम्परेचर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 20 डिग्री सेल्सियस पूछा जा सकता है. ह्यूमिडिटी रेंज दो एरियाज में 20-30% इन ड्राइंग एरिया और ह्यूमिडिटी इन दैट इज 40% इन ऑपरेटिंग एरिया. ठीक है, ये पूछा जा सकता है, डबल स्टार मार्क क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. नाउ बात करेंगे जिलेटिन को अगर हमने वे किया किसमें करेंगे, दैट इज योर प्रिम्टोमेटिक स्केल, ये पूछा जा सकता है. उसके बाद वे करने के बाद हम उसको मिक्स करेंगे विद पोनी मिक्सर. पोनी मिक्सर पूछा जा सकता है कि किसमें मिक्स करते हैं. आफ्टर दैट हम उसको मेल्टिंग टैंक में डाल देंगे एंड मेल्ट कर देंगे अंडर वैक्यूम एट 93 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, उसके बाद मिक्सिंग चलेगी 25 मिनट तक फॉर 270 किलोग्राम ऑफ मास, जितना 270 के लिए 25 मिनट तक मिक्सिंग और 3 आवर्स तक वो प्रोसेस मेल्टेड प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, सैंपल जो होगा हमारा हम मेजर करेंगे, उसका कलर मैच करेंगे विद स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड का क्या कलर है. मास इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर, जो हमारा मास आया है ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाएगा बिफोर एंड ड्यूरिंग कैप्सुलेशन प्रोसेस. याद रखिएगा टेम्परेचर 57-60 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाएगा. नाउ बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स की. सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट कौन सा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए बनाया गया था, वो भी बताएंगे. सो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के बारे में पता कर लेते हैं. मिडिल 19 सेंचुरी से मिलना शुरू हुआ था सॉफ्ट जिलेटिन का कैप्सूल का. और उससे पहले हम क्या करते थे, देवर मेड वन एट अ टाइम, एक बार में एक बनाया जाता था, लेदर मोल्ड से बनाया जाता था और फिर उसके बाद आयरन मोल्ड से. आयरन मोल्ड किस लिए यूज करा जाता था, शेपिंग के लिए कैप्सूल की. ठीक है, नाउ कैप्सूल्स वर फिल्ड बाय मशीन ड्रॉपर एंड सील्ड बाय हैंड विद अ ग्लोब ऑफ मोल्टन जिलेटिन. ठीक है, ये प्रोसेस बहुत टीडियस था. इसके बाद फिर एक मशीन आई. ठीक है, एज टेक्नोलॉजी एडवांस द इंडिविजुअल आयरन मोल्ड्स गिव अ मल्टीपल मोल्डिंग यूनिट्स. मींस पहले हम एक बनाते थे तो फिर एक मशीन ऐसी आई जिससे हम मल्टीपल कैप्सूल्स बना सकते हैं. सो कौन सी आई थी वो, दैट इज योर प्लेट प्रोसेस. अब प्लेट प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपने सैंडविच खाया है, सैंडविच कैसे, दिस इज योर फर्स्ट ब्रेड एंड दिस इज द फिलिंग एंड दिस इज द सेकंड ब्रेड. अगर बर्गर की भी बात करूं, दिस इज योर बर्गर. ठीक है, ये ऊपर का कैप है, बीच में हमारा फिलिंग है और नीचे उसका बेस है. इसका प्रोसेस यही है. ठीक है, इसको अब मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मैंने आपको सैंडविच का एग्जांपल क्यों दिया. ठीक है, ओल्डेस्ट मेथड है, याद रखिएगा पुराना हो चुका है, सो इसलिए अब यूज नहीं करते हम इसको ज्यादा. दो शीट को इन्वॉल्व करता है, मींस एक शीट ये हो गई, दूसरी शीट ये हो गई जिलेटिन की. ठीक है, एक शीट में डिप्रेशन होता है. डिप्रेशन मींस गड्ढा, याद रखिएगा ये एक तरह का शीट है
और उसमें डिप्रेशन, ये गड्ढा तभी तो इसमें कैप्सुलेट कंटेंट आएगा। उसके बाद जो दूसरी शीट है वो प्लेस की जाएगी, ये जो डिप्रेशन वाली शीट है इसके ऊपर ये वाली शीट आएगी, ठीक है, इन अ जिलेटिन शीट इनटू व्हिच एक्टिव फिल वाज देन प्लेस्ड, मींस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके अंदर हमें सॉल्यूशन फिल करना है वो प्लेस किया जाएगा, फिर उसको सील कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। सेकेंड जिलेटिन शीट वॉज यूज ओवर द फर्स्ट, बोथ वर पास टूगेदर विद फिल मटेरियल लाइक सैंडविच, सैंडविच की तरह उसको सील कर दिया जाएगा। बहुत टीडियस है, 2 से 3 ऑपरेटर लगते हैं इसमें, तो इसका एक अल्टरनेटिव निकाला गया, एक बहुत अच्छी मशीन बनाई गई, उसके बारे में बताने वाले हैं, दैट इज योर रोटेटरी डाई प्रोसेस। रोटेटरी डाई प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, जब तक रोटेटरी डाई प्रोसेस नहीं आया था तब तक काफ़ी कंपनीज, काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इशू फेस कर रही थी फॉर द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और वेट वेरिएशन में कैप्सूल्स के। ये किसने डिस्कवर किया? लेट आरपी स्केरर इन्वेंटेड द रोटेटरी डाई प्रोसेस, एंड प्रायर टू दिस फार्मास्यूटिकल कंपनी फेसिंग इश्यूज रिगार्डिंग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड वेट वेरिएशंस, ठीक है। सो रोटेटरी डाई प्रोसेस की मशीन ये आपके लिए बनाया गया है, मेनली इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, पर मैं आपको इसको समझाता हूँ। सबसे पहले दिस इज योर जिलेटिन टैंक, जिलेटिन टैंक से समझ रहे हैं, यहाँ पे जिलेटिन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिलेटिन सॉल्यूशन ग्रेविटी की हेल्प से पाइप के थ्रू आएगा, ठीक है, बॉक्स के थ्रू, यहाँ पे कूलिंग ड्रम में, कूलिंग ड्रम का जो टेम्परेचर होता है वो 13-14 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, जो ये कूलिंग ड्रम है इसके बाद ये एक रिबन में कन्वर्ट होना शुरू होगा, रिबन की जो थिकनेस होगी वो +-10% वेरी कर सकती है, याद रखिएगा। और जो गीले वेट शेल की जो थिकनेस होती है, वेट जिलेटिन की, वेट शेल की, याद रखिएगा, वो होती है 0.02 to 0.45 इंच, पूछा जा सकता है वेट शेल की थिकनेस कितनी होती है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शेल थिकनेस के, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल थिकनेस, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहां पे गया, अब ये रोलर है, सो ये ऑयल रोल्स क्या है, ये जो ये रोल है ना, ये आपका ये ऑयल में डिप रहता है, सो ये ऑयल में लगा रहता है, मींस अब यहां पे ऑयल लग गया हमारे जिलेटिन शीट पे, ठीक है। उसके बाद यहां से ये इस वाले उससे वेजेस में जाएगा, ये शीट वेजेस में जाएगी, देन ये जो प्रोडक्ट है यहां पे हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में, जो भी हमें कैप्सूल एनकैप्सुलेट, जो भी हमें कैप्सूल के अंदर फिल करना है वो रहेगा, प्रोडक्ट पंप के थ्रू वो वे होके आएगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट में कंटेंट कंटेंट उतना ही रहेगा जितना अमाउंट उसको फिक्स किया गया है। ये आपका डाई कैविटी है, इसमें डाई है, इसमें अलग अलग सॉरी शेप्स हैं, सो दैट जब जिलेटिन की शीट इस पे आएगी तो जिलेटिन की शीट कटती चली जाएगी और उसमें प्रोडक्ट फिल होता चला जाएगा और सील होता चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका ये दोनों रोलर डाई वाले हैं, ठीक है, जिस शेप के हमें कैप्सूल बनाने हैं वो हम यहाँ पे रोलर लगा देंगे, ठीक है। अब ये हुआ, सो यहां से फिल होते 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 यहाँ पे कैप्सूल आना शुरू हुआ और हमारा कैप्सूल यहाँ पे एक मैश रहती है, याद रखिएगा मैश, ठीक है, यहाँ पे इस मैश के थ्रू इस कन्वेनर से पास होना शुरू हो जाता है, फर्दर उसको पैकिंग के लिए शिपमेंट शिप कर देते हैं कार्टन में। पर शिप करने से पहले याद रखिएगा, हमें दो चीज का याद रखना है, शिप करने से पहले जो हमने ये ऑयल यूज किया था यहाँ पे, उस ऑयल को भी तो रिमूव करना जरूरी है। उस ऑयल को रिमूव कैसे करेंगे, एक नेफ्था यूज होता है, नेफ्था, नेफ्था को यूज करा जाता है वॉश करने के लिए, ठीक है, ऑयल को रिमूव करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेफ्था इज यूज टू रिमूव दी ऑयल और ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, इस ऑयल को जो यहां पे लगाया, फर्दर जो ये वॉश किया गया है, फिर उस वॉशिंग के बाद हम उसको ड्राई करेंगे, ड्राई किससे करेंगे, इंफ्रारेड ड्राइंग से, बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंफ्रारेड,
इंफ्रारेड ड्राइंग से हम इसको ड्राई करेंगे। नाउ सो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना अलाउ है, वो है हमारा 6 to 10%। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में 6 to 10% मॉइस्चर कंटेंट अलाउ हो सकता है वाटर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी और ये भी। सो आई होप आपको रोटेटरी डाई प्रोसेस समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, जो एक्ोजेल टेक्नोलॉजी। एक्ोजेल बनाया गया था इन 1949 बाय लेडरले लैब डिवीजन ऑफ द अमेरिकन साइनामाइड कंपनी। इसकी एक खास बात, इट इज यूनिक इन दैट इट इज द ओनली इक्विपमेंट दैट एक्यूरेटली फिल पाउडर ड्राई सॉलिड। पाउडर ड्राई सॉलिड को फिल कर सकता है केवल एक्ोजेल मशीन इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसका एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ड्राई पाउडर और फिल करने के लिए, जो ड्राई सॉलिड को फिल करने के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं, एक्ोजेल मशीन, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट जो हम मेजर करते हैं वो डिटरमाइन करा जाता है, मेजर करा जाता है टोल्यूम डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नाउ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की बात करें, सबसे पहले जो सील थिकनेस होती है वो हम अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं। सेकेंड इज फिल वेट चेक, कैसे करते हैं, एक फ्रेश कैप्सूल लेते हैं, उसको ओपन करते हैं और जो उसका कंटेंट है वो देखते हैं, वो जो शेल होती है जो उसको फिल करते हैं उसको वॉश करते हैं विद पेट्रोलियम ईथर और उस एम्प्टी शेल को फिर रीवे करते हैं। इसके थ्रू हम फिल वेट चेक कर सकते हैं। थर्ड इज मॉइस्चर कंटेंट, बता दिया है, टोल्यूम डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ आफ्टर ड्राइंग कैप्सूल ट्रांसफर, जब ड्राई कर दिया जाएगा उसको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा और तब तक रहेगा जब तक ये चारों चीज चेक ना हो जाए, सील थिकनेस, मॉइस्चर, कैप्सूल फ्रेजिलिटी एंड रप्चर टेस्ट। जब पास हो जाएगा किसी डिपार्टमेंट के थ्रू तो फर्दर उसको आगे भेज दिया जाएगा। डायमीटर चेक होता है, डायमीटर प्लस माइनस 0.020 इंच रहना चाहिए इंडिविजुअल कैप्सूल का। और क्या करता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है ओवरफिल्ड और अंडरफिल्ड कैप्सूल्स, ठीक है ना। कैप्सूल कलर सॉर्टर एक स्टैंडर्ड कलर से मिलाया जाता है, अगर नहीं मिलता है तो उसको हटा दिया जाता है, तो कैप्सूल कलर सॉर्टर का ये काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग, कैप्सूल को काउंट करने के लिए एक मशीन होती है जो 8000 कैप्सूल एक मिनट में काउंट कर सकती है और फिर उसके बाद शिपिंग हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई है। नाउ अगर हम बात करें जीपैट के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सबसे पहले सीलिंग टेम्परेचर, ये पूछा जा सकता है कि सीलिंग टेम्परेचर कितना है। मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर रेंज, ये पूछी जा सकती है। ह्यूमिडिटी ऑपरेटिंग एरिया में पूछी जा सकती है, ड्राइंग एरिया में पूछी जा सकती है। मेजरमेंट और कंट्रोल रिकॉर्डिंग, मैंने बताया था प्रिंटोमेटिक स्केल। जिलेटिन प्रिपरेशन इज डन बाय पोनी मिक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट, मिक्स किया जाता है, ये सब बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट पंप से इसको फिल किया जाता है, ड्राई जो किया जाता है इंफ्रारेड ड्राइंग के थ्रू किया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट टोल्यूम डिस्टिलेशन एक और मेथड है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, ये भी बता चुका हूं। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 6 to 10% होता है। वेट शेल थिकनेस इतनी होती है, पीएच पोनी मिक्सर का 2.5 to 7.5 होता है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के रिगार्ड में, जो आपके जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है। आई होप आपके ये लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के रिगार्ड में। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।